हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी टेंसों के सिंपल टेंसों की कंपैरेटिव स्टडी। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में, पहले दूसरे और तीसरे वीडियो में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बताया था, आज हम एक साथ सभी सिंपल टेंसों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसा कि आपने देखा और आप सीखे कि तीन तरह के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस की चार चार फॉर्म है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हमने अब तक सिर्फ सिंपल टेंस ही पढ़े। अब सिंपल टेंस में हम सारे ही सिंपल टेंस देखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। और ये देखने का प्रयास करेंगे, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि तीनों ही सिंपल टेंस में क्या क्या अंतर है। तो आप देखिए ज़रा स्टार्ट में, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब में एस ई एस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एस ई एस मेन वर्ब में कब लगाते हैं ये एक बार फिर आप समझिए, जब कर्ता एक वचन हो जैसे ही, सी, इट, नेम, तो हम मेन वर्ब के अंदर एस या ई एस लगा देते हैं। यहाँ भी एक प्रश्न ये उठता है कि भाई एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे। तो जिन वर्ब्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ वगैरह हो तो उनके पीछे ई एस लगाना चाहिए, और जिनमें ये चीज़ नहीं हो उनमें एस लगाइए आप। अब आगे देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। डू नॉट कब लगाएंगे, डज नॉट कब लगाएंगे, ये भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप डू नॉट लगाइए, यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट लगाएंगे। लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर सिर्फ अब मेन वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, उसमें एस ई एस नहीं लगेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी एस ई एस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है, लेकिन जब सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है और उसमें एस ई एस नहीं लगता। अब देखिए, इंटरोगेटिव बनाना है तो डू और डज को कर्ता से पहले लिखेंगे, नियम वही है, कर्ता यदि एक वचन है तो डज लिखेंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू लिखेंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख करके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस को बनाने की विधि। पास्ट सिंपल टेंस में आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, और उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ये भी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, वो हमेशा और हमेशा सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ही प्रयुक्त होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ डिड नॉट आने वाला है। लेकिन अब आपको यहाँ पर फिर ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन जैसे ही वाक्य अफर्मेटिव के बाद में निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस की हम बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सेल या विल में से कोई एक चीज़, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट आई और बी है तो सेल लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट आई भी नहीं है, आई बी को छोड़कर के अन्य कोई सब्जेक्ट है, तो हम विल लगाएंगे। इसका निगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर कोई डिड नॉट डज नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ सेल नॉट या विल नॉट ही लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल के साथ में सिर्फ नॉट जोड़ना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सेल विल को सब्जेक्ट से पहले ऐड करना है, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको लिख देना। अब हम तीनों ही चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम ये पाते हैं कि सभी सिंपल टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें हम देखते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है
तो यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब आ रही है, उसमें एस ई एस लगते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर भी मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, लेकिन उससे पहले सेल या विल होएगा। सेल या विल आएगा तभी तो वो फ्यूचर बनेगा, सेल विल के अलावा हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे। इसलिए सेल विल फ्यूचर टेंसों के लिए अनिवार्य शर्त है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं तो देख तो पाते हैं कि भैया प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए, पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट लगाया जाता है, और फ्यूचर सिंपल टेंस में सिर्फ और सिर्फ नॉट ही लगाया जाता है। और इंटरोगेटिव की कंपेरेटिवली स्टडी में हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर डिड आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर शैल या विल को हम कर्ता से पहले लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम ये पहचान गए कि तीनों ही टेंसों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो ये कंपेरेटिवली हम इसको यदि ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से इनको समझ जाएंगे। अब हम एक एक टेंस की यूजेज के बारे में बात करेंगे कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किन अवस्थाओं में किया जाता है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किन कंडीशंस में होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किन कंडीशंस में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज के बारे में। यस, अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंसेज के यूजेज के बारे में, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के का यूज हम किन कंडीशंस में करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं विस्तृत चर्चा करूं, मैं आपको थोड़ा सा वर्ब के बारे में बता देना चाहता हूं कि व्हाट इज ए वर्ब, कि वर्ब वास्तव में होती क्या है। क्योंकि जब हम टेंसों की बात करते हैं तो हम एक तरीके से वर्ब के प्रयोग की ही बात करते हैं, क्योंकि टेंस अपने आप में वर्ब का ही प्रयोग है, जैसी क्रिया वैसा ही टेंस। इसलिए इससे पहले कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज की बात करें, थोड़ा सा वर्ब पर हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ए वर्ब, व्हाट इज ए वर्ब, वर्ब क्या है। तो जैसा कि हम देखते आए हैं या हम जितना जानते हैं कि ये कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ब इज ए एक्शन वर्ब, तो ये कंप्लीट नहीं है। मेरे अनुसार वर्ब एक ऐसा शब्द है जो वाक्य के अंदर कर्ता के एक्शन को बताता हो और कर्ता के स्टेट के बारे में भी जानकारी देता हो। तो हम कह सकते हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट denotes an action or a state of a subject. Of a subject in a sentence. वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन या स्टेट के बारे में जानकारी देता है, किसी सब्जेक्ट की, किसी सेंटेंस के अंदर, यानी किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की या सब्जेक्ट की स्थिति, यानी सब्जेक्ट के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की जानकारी देने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। वैसे वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है और हम आगे मैं अपने अगले वीडियोस में वर्ब्स के बारे में और अच्छे विस्तृत वीडियो आपके पास लाऊंगा। आज चूंकि हम पढ़ रहे हैं यूजेज के बारे में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वर्ब की डेफिनेशन क्लियर करना चाहता था जिससे हमको आगे कोई कठिनाई नहीं आए। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे राम राइट्स ए लेटर, जैसे एक सेंटेंस है छोटा सा, और एक सेंटेंस ये है
Ram is a teacher. और देखिए, Ram has a car. और देखिए, Ram is a good boy. ये कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं और हम देखते हैं कि सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, आए, वो सब सिंपल टेंस के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। और इसका हमने स्ट्रक्चर भी ये देखा था कि पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब में एस आई एस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये इसका हमने स्ट्रक्चर देखा था। लेकिन जब हम इन सेंटेंसों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे ये पहला सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, राइट्स मेन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट, तो ये फिट बैठता है और इसका अर्थ भी ता है, ती है में ही निकल रहा है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, कि राम एक पत्र लिखता है, ये हमारे इस स्ट्रक्चर से और हमारी पहचान से मेल खाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है, अध्यापक है, इसमें कहीं ता है ती है नहीं आ रहा, तो हमको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें तो ता है ती है होता ही नहीं है कि भाई राम एक टीचर है, राधा एक लड़की है, वे लड़के हैं, उनके पास एक कार है, उनके पास एक अच्छा मकान है, इनमें कहाँ ता है ती आ रहा है। लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हैं। वो कैसे हैं? क्योंकि जैसा है, हमने अभी देखा था हमारे डेफिनेशन में कि वर्ब क्या करती है, वर्ब एक कर्ता के द्वारा किए गए एक्शन को बताती है या उसकी स्टेट को बताती है। तो यहाँ दोनों सेंटेंसों में यही बात हो रही है। यहाँ पर राइट एक एक्शन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर लिखना एक एक्शन है, लिखना एक एक्शन है, यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता के द्वारा ये एक्शन हो रहा है और यहाँ पर कर्ता के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कर्ता की स्टेट यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। तो ये भी सेंटेंस अपने आप में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ब दोनों ही तरह का कार्य करती है, वो एक्शन भी डिनोट करती है और स्टेट भी डिनोट करती है। तो यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है। अब मैं अपन यूजेज के बारे में बात करेंगे। विभिन्न कंडीशंस में हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, यानी जो आदत के रूप में जो काम करते हैं या जो रेगुलर एक्शंस हैं, उनको शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहली चीज़ है हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे उदाहरण देखिए आप, ये एक सेंटेंस है, ये अपने आप में एक रेगुलर एक्शन है। जैसे माय फादर टेक्स टी इन द मॉर्निंग डेली, ये दूसरा सेंटेंस है, माई फादर टेक्स टी इन द मॉर्निंग डेली। डेली शब्द, ये डेली
इस सेंटेंस में इस चीज़ को बता रहा है कि एक्शन रेगुलर हो रहा है, हैबिचुअल हो रहा है, यानी आदतन कोई काम जब होता है तो उसको दिखाने के लिए कुछ एडवर्ब्स काम में लिए जाते हैं। और ये इसके अपने आप में इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी एग्जाम्स वगैरह जो लगती है और उनमें हम जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिलअप करते हैं, तो यहाँ हमारे ये इंडिकेटर्स काम आते हैं। हम यदि थोड़े से इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखें, इन एडवर्ब्स को ध्यान में रखें, तो निश्चित रूप से हम किसी भी परीक्षा के अंदर आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भर सकते हैं और अच्छे नंबर हम ला सकते हैं, चाहे हम बात करें कक्षा 10 की, चाहे 12 की या 11 की या और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो जैसे ये डेली अपने आप में इस बात को शो कर रहा है, जहाँ भी डेली आएगा तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही वाक्य है, उसमें निश्चित रूप से हमको क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है और पहली फॉर्म के अंदर ऐसे ही एस लगाना है कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। नेचर बियर्स ए गुड लुक इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के अंदर नेचर जो है अच्छा परिधान गुड लुक जो है धारण कर लेती है, यानी अच्छा प्रकृति चारों ओर से सुंदर हमको लगती है। मेरे पिताजी सुबह डेली प्रतिदिन चाय पीते हैं, ये उनकी आदत है। तो हैबिचुअल एक्शंस और जो रेगुलर फेनोमेना है नेचर के, उनको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अगला यूज देखिए आप, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ्स। प्रकृति के अंदर जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, जिनको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जो अपने आप में सिद्ध करने की उनको जरूरत नहीं है, जो अपने आप में ही ऑटोमेटिकली हैपन होते हैं और नियमित होते हैं, उनको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, जैसे कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, जैसे पृथ्वी गोल है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि पृथ्वी गोल है, ये अपने आप में नेचुरल फेनोमेना है और इन ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व यानी चक्कर लगाती है राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो लगाती है, ये नहीं है कि वो चक्कर लगाना बंद कर देगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी हो जाएगा तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी भैया। इसलिए ऐसे घटनाएँ जो हमेशा ही होती रही है, हो रही है और होती रहेगी, वो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि जैसे सूर्य पश्चिम में सेट होता है, मतलब अस्त होता है, तो होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सूर्य जो है पश्चिम में उदय होगा और जाकर के ईस्ट में जाकर के अस्त होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सार्वभौमिक सत्य है, तो सार्वभौमिक सत्य को दिखाने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ्स को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं, टू टेल फ्यूचर प्लांट प्रोग्राम्स, भविष्य में निश्चित किए जाने वाले प्रोग्राम्स को, जो भविष्य में होने वाले हैं और पहले से ही वो सुनिश्चित हैं,
तो ऐसे प्रोग्राम्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आवर पीएम विजिट्स जोधपुर नेक्स्ट वीक। अब ये फ्यूचर का प्रोग्राम है, इसमें नेक्स्ट वीक आ रहा है। नेक्स्ट वीक इस बात को शो कर रहा है कि ये घटना भविष्य में होने वाली है, अभी नहीं हो रही, लेकिन ये टेंस इसका प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि क्रिया जो है, जो वर्ब है, वो विजिट्स यानी क्रिया की पहली फॉर्म यहाँ पर आ रही है। तो अपने आप में ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, बट टाइम जो शो कर रहा है वो फ्यूचर का है। तो फ्यूचर के प्लानेड प्रोग्राम को दिखाने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट्स थ्योरीज प्रिंसिपल्स सिद्धांत साइंटिफिक फैक्ट्स थ्योरीज प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत है विज्ञान के, उन सबको शो करने के लिए भी हम जो है उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हमको कोई साइंटिफिक फैक्ट बताना है तो निश्चित रूप से हमको क्रिया की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। यदि हमको किसी थ्योरीज के बारे में चर्चा करनी है तो अभी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे, यानी क्रिया की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब है क्रिया की पहली फॉर्म का यूज, ये सुनिश्चित कर लो आप। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है? क्रिया की पहली फॉर्म। जब वर्ब की पहली फॉर्म प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक वो जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है, बशर्ते कि हम ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के अनुसार उसमें एस या एस लगा दें। यदि हमको कोई वैज्ञानिक सिद्धांत की भी हम बात करेंगे, सिद्धांतों के बारे में भी बताएंगे, तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का या प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई साइंटिफिक फैक्ट, जैसे द वाटर फ्रीजेज एट वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि भाई पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, जमता है, तो जमेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी होगा पानी जमेगा, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे हम कोई सिद्धांत की बात करें, थ्योरीज की बात करें, जैसे कि ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ट्राइंगल कि भाई त्रिकोण के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, तो होती है, इसलिए वो त्रिकोण है, इसलिए उसका नाम ट्राइंगल है। ये अपने आप में एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है। तो जब हम प्रिंसिपल थ्योरीज या साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं तो हम इसी टेंस का यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग ही उन सेंटेंसों को एक्सप्रेस करते हैं, कहने का मतलब क्रिया की पहली फॉर्म लगाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे आपको रनिंग कमेंट्री आप सुनते हो जब क्रिकेट होती है, आंखों देखा हाल, जो खेलों के अंदर हम देखते हैं, फुटबॉल का खेल हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो किसी भी तरह का मैच हो रहा हो और उनकी हम रनिंग कमेंट्री टीवी पर रेडियो पर सुनते हैं, तो रनिंग कमेंट्रीज के अंदर भी हमेशा जो एक्शंस वहाँ फील्ड में हैपन हो रहे हैं उन सब की स्टोरी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताई जाती है, यानी क्रिया की पहली फॉर्म का भी वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन बाउल्स
सोहन, मोहन ने बॉल सोहन को बॉल फेंकी एंड सोहन हिट से फोर और मोहन ने एक चौका लगा दिया। जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल नहीं है बल्कि वो पास्ट का भाव इसमें आ जाता है। जैसे मैं इसमें हिंदी में अर्थ करूं कि मोहन बाउल सोहन, यानी मोहन ने सोहन को बॉल फेंकी और सोहन ने उस बॉल के ऊपर चौका लगा दिया। हिंदी में थोड़ा सा बदल गया मतलब, जबकि अंग्रेजी में जब हम रनिंग कमेंट्रीज बोलेंगे तो हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज हैं। इन कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स, कोटेशंस और प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, कोटेशंस यानी जो कथन होते हैं बड़े आदमियों के, उनमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं, यानी क्रिया की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे कोई कथन है किसी बड़े आदमी का, जैसे कि कीट्स एक बहुत बड़ा पॉइंट हुआ है इंग्लिश साहित्य का। कीट सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये कीट्स का कथन है। अब ये जो कीट्स का कथन है तो हमने इसको कथन को जब लिया, हालांकि कीट्स बहुत पहले हुआ था, कीट्स वाज ए हिस्टोरिक पर्सन और अब हमारे बीच का कीट्स नहीं है, लेकिन कीट्स का ये कथन मौजूद है। लेकिन जब हम इसी कथन को आज रेफर करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही इसको बताया जाएगा। कीट्स ने कहा था कि ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी प्रकृति के अंदर जो ब्यूटी की जो थिंग्स हैं, यानी ब्यूटी जो सुंदरता की जो चीज़ें हैं, जो सुंदरता की रचनाएं हैं, वो हमेशा हमारे दिल के अंदर जॉय का यानी आनंद का सागर पैदा करती है हमेशा के लिए, अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय। तो ये कीट्स एक प्रकृति प्रेमी कवि था और इसने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। इसी तरह यदि कोई प्रोवर्ब्स यानी कहावतों की हम बात करते हैं, जितनी भी कहावतें हैं मुहावरे हैं, वो सब हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही हैं, यानी उनमें क्रिया की पहली फॉर्म ही होती है। जैसे एक उदाहरण देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स, क्रिया की पहली फॉर्म आई है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, भ्रमित नहीं होना है हमको, इस दुनिया के अंदर चमक दमक है और चमक दमक से आप कहीं पीतल को सोना नहीं समझ लें, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज हैं, अगला यूज देखते हैं इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही लिखी जाती है। जैसे जैसे कि ये एक हेडलाइन है, पॉल्यूशन इंक्रीजेज एलिमेंट्स, जैसे जैसे एक हेडलाइन दिए अखबार में कि भाई पॉल्यूशन से एलिमेंट्स बढ़ रही है, मतलब बीमारियां बढ़ रही है, एलिमेंट्स बीमारियां,
pollution. Pollution increases ailments. तो बहुत सारा पॉल्यूशन है और उससे बीमारियां बढ़ती है, इस तरह के अखबार की एक हेडलाइन है। हेडलाइन जितनी भी आएगी वो हमेशा आप देखेंगे कि उनके अंदर क्रिया की पहली फॉर्म का ही प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे यूज हैं और देखेंगे हम। अगला यूज हम देखेंगे टू एक्सप्रेस हिस्टोरिक प्रेजेंट। टू एक्सप्रेस हिस्टोरिक प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिक प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कॉग्निशन, एंड इमोशन। विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कॉग्निशन एंड इमोशंस, कि ये कुछ ऐसी स्पेशल क्रियाएं हैं जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से, हमारे ज्ञान से, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, और उनको व्यक्त करने के लिए हम इसी टेंस का यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू यू फील प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस, डू यू फील प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस। जैसे आई सी लव इन योर आइज, ये परसेप्शन की क्रियाएं हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां जिन चीज़ों को देखती सुनती या महसूस करती है वो ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं यानी परसेप्शन की क्रियाएं कहलाती हैं, जो चीज़ हम परसेप्ट करते हैं। जैसे हमारी आँखें, जैसे वी सी विद आवर आइज, वी स्मेल विद आवर नोज, वी हियर विद आवर ईयर्स, वी टेस्ट विद आवर टंग, वी फील विद आवर स्किन, तो दीज आर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसी तरह इमोशंस की क्रियाएं, जैसे कि लव है, हेट है, वांट है, विश है। इसी तरह कॉग्निशन की क्रिया, जैसे अंडरस्टैंड है, बिलीव है, जैसे डू यू बिलीव इन गॉड, तो ऐसी क्रियाएं जो परसेप्शन, कॉग्निशन और इमोशंस एक्सप्रेस करती है, इन क्रियाओं का भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इम्पेरेटिव्स होते हैं, कुछ जैसे नेगेटिव इम्पेरेटिव्स हैं, नकारात्मक आदेशात्मक जैसे वाक्य होते हैं, जैसे किसी को कोई मना करनी है तो भी हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इन नेगेटिव इम्पेरेटिव्स, इन नेगेटिव इम्पेरेटिव्स के अंदर नकारात्मक आदेश दिए जाते हैं, जैसे डोंट मेक ए नॉइज। जैसे बच्चों को क्लास में हम कहते हैं कि भाई शोर मत करिए, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट गो देयर, डोंट गो नियर द फायर,
यानी मना करने का जो भाव है आदेशात्मक वाक्यों में, वो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद में हम अगला टेंस लेंगे हमारी इस कंपेरेटिव स्टडी में, पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस की यूजेज भी हम देखेंगे आगे। लेकिन एक चीज़, जैसे कि मैं आज इस लेसन को पूरा कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परीक्षाओं में जो सही क्रिया की फॉर्म भरने वाले प्रश्न आते हैं, टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। यानी यदि वो इंडिकेटर्स कहीं किसी सेंटेंस में आते हैं, तो आप ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और इसमें हमको क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है। जैसे आप समझ लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी एडवर्ब आता है, मेरी भाषा में इंडिकेटर, जैसे मैं उनको इंडिकेटर कहता हूँ, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करेगा ये सेंटेंस, यानी इसमें हमको क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है। जैसे जैसे डेली शब्द आ रहा है किसी सेंटेंस में, डेली या एवरीडे आ रहा है, डेली आ रहा है, एवरीडे आ रहा है, या ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज, या सेल्डम आ रहा है, या ऑफन आ रहा है, ऑफन, ओ एफ टी ई एन, ऑफन, या जनरली आ रहा है, जनरली, जनरली, या नेवर आ रहा है, और लीली वाले जितने भी शब्द हैं, जनरली है, यूजुअली है, या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो यदि किसी सेंटेंस में आते हैं, तो आप ये समझेंगे कि हमको क्रिया की पहली फॉर्म का ही उपयोग करना है। कहने का मतलब, दिया हुआ वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होगा, ये सुनिश्चित करते हैं ये इंडिकेटर्स। तो इन इंडिकेटर्स को देखते हैं हम, तो हम तुरंत हमको ये सोचना चाहिए कि ये दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और उसमें यदि हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिलअप करनी है, तो निश्चित रूप से आप उसमें क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, तो उसमें एस या एस और लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। दैट्स ऑल माई स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।